तो ये कूलर की मोटर है जो सड़ गई थी, तो अब हम क्या है कि इसकी न्यू वाइंडिंग किया है। ये देखिए, ये बिल्कुल नई वाइंडिंग की हुई है इसकी, और अब हम इसको इसमें फिट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, ये वीडियो है, इसी पर है कि हम एक जो मोटर होती है, न्यू वाइंडिंग मोटर मोटर को इसके फ्रेम में कैसे फिट करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो फिटिंग है काफ़ी मुश्किल से आती है। तो अब आज हम वही करेंगे। अगर इसकी अच्छे से फिटिंग ना की जाए तो ये लूज़ रह जाता है, और लूज़ रहने के कारण ये जो इसकी वाइंडिंग है वो गर्म होने लगती है, और ये दोबारा से सड़ जाएगी फिर ये। नहीं तो जो अगर ज़्यादा लूज़ रह जाए या ज़्यादा टाइट हो जाए, जो इसके स्क्रू होते हैं वो आपस में अच्छे से टाइट ना हो, तो ये जाम होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये चलती नहीं है। अगर चलेगी भी तो बहुत ही रुक रुक कर हार्ड से चलेगी और ख़राब हो जाएगी। तो ये इसकी वॉशर्स होती हैं जो डालनी बहुत ज़रूरी हैं, जो इसमें स्पेस जो है मेंटेन रखती हैं। तो हमने अभी इसके अंदर ये वॉशर्स डाली थी, तो इसका जो ये कॉर्नर है ये पूरा पूरा अंदर से आ चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी हम पहले इसके देख लेंगे ये स्क्रू अच्छे से आ जाएंगे इसके इधर से कि या नहीं। तो ये ऐसे करने पर जी बिल्कुल ठीक आ चुके हैं। तो इसमें थोड़ी सी स्पेस है जो इतनी जो के होनी चाहिए। उसके जो स्क्रू है वो बराबर इक्वल हमने टाइट करने हैं। हम इसके जो स्क्रू हैं वो टाइट करेंगे, तो थोड़ा यहाँ पे मंगल देते हैं ताकि जो अच्छे से ये, वैसे ये फ्रीली घूम रही है इसलिए हम इसके स्क्रू जो हैं भी टाइट कर देंगे। क्लास एक लग दे क्लास दो सी अपने मुझे। कहीं किसकी फिटिंग कई बार होता है कि अच्छे से नहीं हुई, तो ठोकने के बाद ये थोड़ा एडजस्ट हो जाती है, सही हो जाती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें अभी पता चल जाएगा। तो अभी ये फ्रीली घूम रही है, अभी इसमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसकी जो स्क्रू एक बार और चेक कर लेंगे।
पेश कर देंगे। कर दे आ रही है।